वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ डिफरेंट सा ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, जो कि आप पार्टी में, शादी में बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे कि साड़ी पे बना रहे हो, गाउन ड्रेस पे बना रहे हो, वेडिंग पार्टी वाली जो भी ड्रेस है उस पर आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने बैग से इतने हेयर लेने हैं इस तरीके से। साइड बंद होगा ये, और बाकी सारे हेयर्स को यहाँ पे आप क्लचर की मदद से सेट कर लीजिए ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद से आपको एक रबड़ बैंड चाहिए, ओके, और सारे बालों को कॉम करके एक साइड में ले आएंगे। और टेलीफोन या फिर फिंगर की मदद से आप इस साइड से इस तरीके से यहाँ से हेयर को आपका लूज पर्दा है तो आप एक बॉबी क्लिप ले लीजिए और अच्छे से कॉम करके इसको दो तीन क्लिप ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि आपका हेयर अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद से जो आपने इधर के हेयर छोड़े हुए हैं इसको अच्छे से कॉम कीजिए, और फ्रेंच ब्राइड बनानी है यहाँ पे, तो थोड़ी सी अलग टाइप की फ्रेंच ब्राइड होगी, तो ध्यान से देख लीजिए। थ्री पार्ट्स में इस तरीके से यहाँ से थोड़े हेयर ले लेंगे ज़्यादा, और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। थोड़े थोड़े लेयर्स लेते जाएंगे, और इस ब्राइड के साथ रुकते जाएंगे।
जैसे हम लोग खजूर की चोटी बनाते हैं इस तरीके से थोड़े थोड़े लेयर देके बनाते जाएंगे फ्राई। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप बना सकते हो, थोड़ा सा अगर आप बैगनस हो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, थोड़ा आराम आराम से करोगे तो आप बना लोगे, बैगनस हो फिर भी बना लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा आपको, मतलब तो एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके बाद फिर आप बना लोगे इजीली। मेरे फ्रंट से हेयर काफ़ी छोटे हैं इसलिए हेयर्स निकल जा रही हैं, तो आप हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। पूरा एंड तक इसको गूंथना है, फ्रेंच ब्राइड सॉरी खजूरी चोटी जो होती है। एंड तक गूंथने के बाद से थोड़ा थोड़ा इसको लूज कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हेयर आपके बालों का दिख रहा है उसको ऐसे करेंगे, मैंने ऑरेंज रेड हेयर का ब्राइड को ताकि लुक अच्छा आए हेयर स्टाइल का, ऊपर से लेके जाएंगे और साइड से लेके आएंगे और यहाँ पे इस केस की मदद से उसको सेट कर देंगे कैसे बॉडी शेप की मदद से। और क्लिप्स ऐड कर लीजिएगा, अभी मैं बन को फाइनल लुक आप लोगों का शेयर करती हूँ। आपको लेयर निकालना है तो आप निकाल सकते हो इस साइड से, तो पहले ही निकाल लीजिएगा अगर आपको लेयर निकालना है, क्योंकि ब्राइड बनने के बाद अगर आप खींचते हो तो हो सकता है कि आपकी ब्राइड निकल जाए अच्छे से ना हो, और यहाँ पे आप लेयरिंग के लिए अपनी ब्राइड को ऊपर की तरफ सेट कर लीजिएगा ताकि ये नीचे ना लटके। और ये है बन का फाइनल लुक। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरीके की इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियोज देखने के लिए।